अबोहर पंजाब में कांग्रेस की सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील चांगड़ा ने अबोहर के रहने लायक बनाने का भरोसा जनता को दिया है। उसकी वजह से अबोहर शहर में नहीं अब लता गांव में लगातार विकास काम जारी है। हालांकि बाहरी तौर पर अभी किए जा रहे कार्य का चेहरा मुहरा सामने नहीं आया है, लेकिन शहर में जिस गति से काम चल रहा है उसके लगातार आने वाले 2 महीने में काफी बदलाव कुछ आ गया है। शहर में सरकारी कॉलेज की स्थापना का संपन्न भी इसी सेशन में पूरा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जांगड़ा के विरासत संभाल रहे हैं, आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए धर्मवीर शर्मा की खास रिपोर्ट अबोहर से। हाँ जी सर, शहर में जो काम चल रहे हैं या अभी कांग्रेस सरकार कायम होने के बाद जो जो परिस्थितियां शहर की बदली हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए जी, सबसे पहले तो जो पिछले दस साल अकाली दल के राज में, बीजेपी के राज में अबोहर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, जो मतलब बिल्कुल उनकी छोटी सोच के कारण यहाँ कोई सरकार ने काम नहीं होने दिया या जो ग्रांट्स आई थी उसका बिल्कुल मिसयूज हुआ, अभी तक कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो हमने 2.5 करोड़ के तो लगभग ऑलमोस्ट 2.5-3 करोड़ के तो काम और कंप्लीट हो चुके हैं और इतने अमाउंट के काम अभी इन प्रोसेस हैं। जैसे जैसे पैसे हमारे पास आ रहे हैं हम टेंडर लगा के और काम करवा रहे हैं जी। सीवरेज का काम जो इतने टाइम से ठप पड़ा था, मैं मानता हूँ थोड़ा काम स्लो चल रहा है और मैं ये भी मानता हूँ भी कुछ मुश्किलें आ रही है, लेकिन मैं सभी से अपील करूँगा अभी थोड़ा धैर्य और रखें, क्योंकि जब भी हम कोई मकान की भी अगर मरम्मत करनी होती है तो थोड़ा उसमें इनिशियली तकलीफ आती है। तो सीवरेज का काम हमने जो सीवरेज की डिवीज़न, क्योंकि इतना काम स्लो चल रहा था इसलिए हमने सुनील जाखड़ जी से रिक्वेस्ट करी और हमने संघर्ष करके जो सीवरेज की डिवीज़न थी उसको अबोहर में इसी